नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बृहस्पतिवार अनुराधा नक्षत्र आज सुबह 9:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर संतोषी प्रवृत्ति वाले धर्म को मानने वाले बुद्धिमान और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक हर काम करने को तत्पर अध्ययनशील तर्कशास्त्र में निपुण स्पष्टवादी तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये अत्यंत भावनाशील अंतर्मुखी संघर्षशील और स्वच्छंद विचारधारा के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बुध और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे। आज के जन्मे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए कार्यों में संघर्ष की स्थिति और आत्मविश्वास में कमी संभावित है। मन में नकारात्मक विचारों का आना और स्वास्थ्य के प्रति असंतुष्टि महसूस हो सकती है। कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती जाएगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है और विरोधियों की वजह से अनावश्यक व्यय भी हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी मगर पारिवारिक सुख चैन में कमी महसूस करेंगे। रिश्तों की नाजुकता को बनाए रखें, सब ठीक होता जाएगा। वृष राशि वाले जातकों को मन मुताबिक आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्यों की अधिकता और नए प्रस्तावों का सामने आना संभावित है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर पर रखनी पड़ेगी। पेट व घुटनों से संबंधित समस्या संभावित है। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास का योग चल रहा है। अधिक से अधिक अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देते जाएं, लाभ मिलेगा। ईश्वरीय प्रेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में अचानक लाभ संभावित है। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है और रुकी हुई योजनाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने प्रयास जारी रखें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विकास और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी मगर त्वरित लाभ के लिए भावावेश में आकर गलत निर्णय से बचें। उलझाव की स्थिति संभावित है। आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। विरोधी पक्ष के दखलंदाजी से सुख चैन में कमी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ में वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से उत्साह और मन मुताबिक आर्थिक लाभ बना रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग बना रहेगा। नवीन रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। अपने बुद्धि कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से कई प्रस्ताव अपने पक्ष में कर सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव भी लाभदायक सिद्ध होंगे। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें। कुछ कामों में अवरोध संभावित है मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें।
नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों से दूर रहें। शासन सत्ता व राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग संभावित है। अपनी गृहस्थी और स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। चली आ रही रुकावट खत्म होगी और कार्य क्षेत्र की योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना जरूरी होगा। धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी का अंदेशा बनता है। पांचवें घर में शुक्र के होने से रचनात्मक क्रियाशीलता बाधित हो सकती है, हालांकि आपके कार्य की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यात्रा का योग बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अपनी सक्रियता बरकरार रखें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि वाले जातकों को क्षणिक और तात्कालिक भावावेश को नियंत्रित रखना चाहिए। शनि मंगल का योग आपके 12वें घर में और निचस्त चंद्रमा आपके 11वें घर में चल रहे हैं, जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से मानसिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा, मगर मानसिक संवेदनशीलता और विरोधियों के सक्रिय होने से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भाग्यशाली होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक भावना बलवती होगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। योजनाओं में चल रही मंदी को सुधारने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। सार्थक पहल करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। आँखों की एलर्जी व पेट संबंधित समस्याएँ संभावित हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना पड़ेगा और बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता बनी रहेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।